मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पऊधो, कहिए जाई कौन पऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। नमस्कार विद्यार्थियों, दसवीं की हिंदी विषय की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कर रहे हैं कृष्ण भक्त कवि सूरदास के पद, जो हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो का के काव्य खंड का पहला पाठ है। एक सूरदास का पद हमने कल किया था। उस पद में हम पढ़ चुके कि किस तरीके से गोपियाँ कृष्ण के दूत बनकर आए, उद्धव पर व्यंग्य कसती हैं, उसे ताने देती हैं, उसे कहती हैं कि तू बड़ा भाग्यवान है जो प्रेम का, कृष्ण की भक्ति का कोई असर तेरे ऊपर नहीं होता है। गोपियाँ उद्धव पे ये आरोप भी लगाती हैं कि वो चिकना घड़ा है, वो कमल के उस पत्ते के समान है जिस पे पानी का कोई असर नहीं होता। और गोपियाँ अपने आप को उन चींटियों के समान बताती हैं जो गुड़ पे चिपटी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। उसी तरह से गोपियाँ जैसे चींटी गुड़ पे लिपटी रहती है और अपने प्राण तक दे देती है, उसी तरह से गोपियाँ अपने बारे में बताती हैं कि वो कृष्ण की भक्ति को और कृष्ण के साकार रूप की भक्ति को छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकती हैं। आज दूसरा पद हम पढ़ रहे हैं और दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश, जो के योग का संदेश है, सगुण निर्गुण भक्ति का संदेश है, उसको वो सिरे से खारिज करती हैं। और वो कहती हैं कि उनकी चाह थी, वो बाट जो रही थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। और भेजा जो भेजा वो और उनकी पीड़ा को बढ़ाने वाला है, और वो भेजा योग का संदेश। तो दूसरा पद, पहला पद हमने जिस तरह से गाया था, दूसरे पद को भी हम गाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप विद्यार्थी को स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं और साथ में गाएं भी, पढ़ते हुए भी और सुन करके भी आप साथ साथ गा सकते हैं। फिर इस पे बात करते हैं। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पऊधो, कहिए जाई कौन पऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई
कौन पऊधो कहिए जाई, कौन पऊधो नाही परत कही। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी। बिरहनि बिरह दही, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। चाहती हुती गुहारी जितही तैं, चाहती हुती गुहारी जितही तैं। उतते धार बही, उतते धार बही। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। तो इस पद का गायन जैसा भी हम कर पाए, और अब इस पे बात करना, प्रसंग एक बार पुनः याद करवा देते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास के ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में संकलित है। इस पद में गोपियाँ सगुण भक्ति की पक्षधरता करती हैं और निर्गुण भक्ति के संदेश को पीड़ाजनक बताती हैं। इस पद पे बात करते हैं, व्याख्या जिसे हम कहते हैं। पहली लाइन है, मन की मन ही माज रही। मन की बात, मन ही माज मतलब में, मन की मन में ही रह गई। मन में कुछ बात थी जो करनी थी, लेकिन वो बात कर नहीं पाए और वो मन ही में दबी रह गई। ये बात इस पद में गोपियों के द्वारा कही जा रही है, गोकुल की वृंदावन के गोपियाँ ये बात कह रही हैं। और वो ये बात तब कह रही हैं जब श्री कृष्ण ने अपने दूत उद्धव को गोपियों के पास गोकुल में भेजा है योग का संदेश दे करके।
लोगों को या गोपियों को ये उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और वो उनसे बात कर पाएंगी अपने मन की जो बात है, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं क्योंकि वो राजकाज में व्यस्त थे। और आए तो उद्धव, और जो बात कृष्ण को कहनी है, गोपियों को जो बात कृष्ण को कहनी थी वो किसी और से नहीं कही जा सकती, इसलिए गोपियां कहती हैं कि मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही दबी रह गई, उसे व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला। कहिए जाई कौन पे उधो, उधो से पूछती हैं कि कहिए बताइए जाई कहाँ जाएं, कौन पे किसको, कहिए जाई कौन पे उधो, किसको कहें कहाँ जाएं, ये तो बता दे उद्धव, जो बात हमारे मन में है जो कृष्ण को कहनी है वो किसको कहें। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, और वो दूसरे किसी से कहे नहीं बन पड़ रही है, कहीं नहीं जा सकती है, वो सिर्फ कृष्ण से बात कही जा सकती थी और कृष्ण नहीं आए, तो उद्धव ये बता के वो बात हम किसको कहें। और ये बहुत पीड़ाजनक है कि जो बात कहनी है जिसको वो नहीं है और वो बात परेशान कर रही है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, समय का आसरा था वक्त का, और आस्थी आवन की, अवधि आधार आस आवन की, आवन मतलब आना आगमन, आने की आस्थी आशा थी उम्मीद थी कि वो आएंगे, और उन्होंने वादा भी किया था कि वो आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, आने की उम्मीद थी, उस वक्त का इंतजार था, लेकिन नहीं आए। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब व्यथा, पीड़ा, कष्ट, और जो कि नहीं आए, जिसका इंतजार था, जिससे बात करनी थी, जिसको अपने मन की बात कहनी थी, तो ये पीड़ाजनक है शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, सब के लिए पीड़ाजनक है ये। एक तरह से गोपियाँ विरह की पीड़ा, वियोग की पीड़ा में झुलस रही हैं कि वो नहीं है जिसको बुलाया जा रहा है और कोई और आया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब हुआ क्या, इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, और अब ये जो आया है उद्धव, जो लेकर के आया है कृष्ण का संदेश, वो है योग का संदेश। और योग, प्यारे विद्यार्थियों, योग के अंदर बहुत सारी क्रियाएं शामिल रहती हैं। योग के दो हिस्से बताए जाते हैं कि एक कर्म योग है, कर्म योग के आगे हिस्से हैं, एक हठ योग है जिसमें बहुत मुश्किल आसन करके परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश की जाती है, और परमात्मा निराकार माना जाता है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया गया, भेजा गया जो संदेश उद्धव ने दिया। तो अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब ये योग का संदेश सुन सुन करके, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, विरहणी, बिरहनी मतलब विरहणी, जो वियोग में
परेशान हो, जो वियोग में जी रही हो, किसी से बिछुड़ करके जी रही हो। विरहणी, विर है दही, दही मतलब जलना, विर है कि आग में जलना। अब ये संदेश होना तो ये था कि कृष्ण को आना था, उसका ना आना तो परेशान करने वाला था ही, लेकिन जो संदेश कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग का संदेश, उसको सुन सुन करके विरह की पीड़ा और ज़्यादा कष्टकारक हो गई है और विरह की आग में जलने लगी हैं गोपियाँ। गोपियाँ मतलब लोग, जो भक्त हैं, जो कृष्ण के चाहवान हैं, कृष्ण के उपासक हैं, या जो कहें। चाहती हुती गुहारी जितहि तैं, चाहती थी, चाहती हुती, हुती मतलब थी, चाहती थी गुहार लगाना, जितहि तैं जहाँ से, जहाँ पे गुहार पुकारना, कृष्ण को पुकार रही थी कि वो विरह की, वियोग की पीड़ा को दूर करेंगे। हो क्या रहा है कि चाहती हुती गुहारी जितहि तैं उतते धार बही, वहीं से एक धारा प्रवाहित हुई, और वो कौन सी धारा? वो योग की धारा, वो बहुत प्रबल धारा, बहुत तेज धारा है, निर्गुण भक्ति की धारा। जहाँ से सहारा बनने की उम्मीद थी, जहाँ से ये चाहती थी कि वो गुहार लगा करके वो गुहार पूरी हो जाएगी, सहारा मिलेगा कृष्ण का, वहाँ से एक अलग धारा बह चली है, तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारक है उन गोपियों के लिए जो लंबे समय से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थीं, इंतज़ार कर रही थीं। आखिरी लाइन में सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास कवि हैं, रचनाकार हैं इन पंक्तियों के, वो कह रहे हैं। और ये बात कहने वाला कौन है? ये बात गोपियाँ कहने वाली हैं। अब धीर धरही क्यों, अब धीर मतलब धैर्य, अब हम धैर्य क्यों धरें, क्यों धरें, जब मर ज्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा, न लही, न रखी। जब कृष्ण ने उनका सम्मान ही नहीं रखा, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, जब उन्होंने ये उनका सम्मान ही नहीं रखा, तो वो धैर्य किस बात का रखें, कैसे रखें? ये बात गोपियाँ कह रही है। हमने देखा कि किस तरह की तड़प है इस पद के अंदर, गोपियों के द्वारा मिलने की इच्छा व्यक्त की जा रही है, वियोग बिछुड़ने का की जो पीड़ा, श्रृंगार रस के दो पहलू होते हैं, एक संयोग मिलने का और दूसरा वियोग बिछड़ने का। तो हम विशेष की विशेषताओं, इन पंक्तियों की विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि इसमें बिछुड़ने की जो पीड़ा है, वियोग श्रृंगार का वियोग पक्ष बहुत ज़्यादा मारक है, गहराई लिए हुए है, और गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई भी इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों में जो एक हुआ है कि जो योग का संदेश है या निर्गुण भक्ति की जो धारा है, उसको निराधार बताया गया है, उसकी आलोचना एक तरह से की गई है कि वो निर्गुण निराकार योग का जो उनकी क्रियाएं हैं वो सहारा नहीं बन पाती हैं। तो ये सूरदास सगुण भक्त कवि थे कृष्ण के,
और वो बड़ी तार्किक दृष्टि से सगुण भक्ति की पक्षधरता और निर्गुण भक्ति की आलोचना करते हुए गोपियों के माध्यम से हमें दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि पूरा पद अलंकारों से विभूषित है। मन की मन ही माज रही, मन की बात आजकल बहुत प्रचलन में है। मन की बात, उसी मन की बात जो नहीं कही जा रही है उसकी तरफ इशारा किया गया है। अवधि आधार आस आवन की की आवृत्ति, वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है आपको पता है? अनुप्रास अलंकार। जी हाँ, तन मन न न, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। संदेशनी सुनी सुनी अनुप्रास अलंकार है। बिरहनी बिरह ब ब की आवृत्ति, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। धीर धरही ध ध की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार है। और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बहुत सुंदर पद है और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत तार्किक ढंग से गोपियों के माध्यम से सूरदास ने बात कही है। तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। पहले पद पे बहुत, जो वीडियो बनी उस पे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप विद्यार्थियों की तरफ से मिली हैं। तो लेकिन कोई सवाल नहीं आया। यदि आप विद्यार्थियों की तरफ से कोई सवाल आएगा तो हम आने वाली वीडियो के अंदर उस पे चर्चा करना पसंद करेंगे। यदि आपकी तरफ से आपने ये तो कहा बहुत सारे विद्यार्थियों ने कि उन्हें पूरी बात समझ में आई और ब्रज भाषा की सुंदरता भी महसूस हुई कई विद्यार्थियों को, और जिस तरह से ब्रज भाषा हमारे आसपास वो कठिन लगती है, उस कठिनता को वो इतनी कठिन नहीं रही, वो आसान हो गई, इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। यदि कोई सवाल आपकी तरफ से आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आने वाला जो अगला पद है वो भी आप इंतज़ार कीजिए। और इसी तरीके से सिलसिलेवार पूरे 10वीं कक्षा के जो पाठ्यपुस्तक है उस पर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहला पद जो सूरदास का है वो उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो इसी चैनल पे वो देख सकते हैं, और आने वाली वीडियो भी इसी तरीके से डलती रहेंगी। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़े रहें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं इन वीडियो से। तो धन्यवाद आपका।